आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरक्षा के नाम पर धंधा करने वालों को कड़ी चेतावनी दी। पीएम मोदी ने कहा कि इस देश में 70 से 80% गोरक्षक गोरख धंधा करते हैं। पीएम ने एक और बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि ज्यादातर गोरक्षक रात में अपराध करते हैं और दिन में गोरक्षा का दावा करते हैं। गायों पर हो रही राजनीति के बीच प्रधानमंत्री का ये पहला और सबसे बड़ा बयान है। आज दिल्ली में टाउन हॉल कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी बहुत सख्त थे और उन्होंने राज्य सरकारों से कहा है कि ऐसे गोरख धंधा करने वाले गोरक्षकों की एक लिस्ट बनाएं। मैं कभी कभी ये जो गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं, मुझे इतना गुस्सा आता है। गौ भक्त अलग है, गौ सेवक अलग है। पुराने जमाने आपने देखा होगा कि बादशाह और राजाओं की लड़ाई होती थी, तो बादशाह क्या करते थे, अपनी लड़ाई की फौज के आगे गाय रखते थे। राजा को परेशानी होती थी कि लड़ाई में अगर हम शस्त्रों का वार करेंगे तो गाय मर जाएगी, तो पाप लगेगा, और इसी उलझन में वो हार जाते थे और वो भी बड़ी चालाकी से गाय रखते थे। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग, लेकिन दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव के बयान पर विवाद हो गया है। शरद यादव ने कहा कि सड़कों पर बढ़ती कांवड़ियों की संख्या देश में बढ़ती बेरोजगारी का बेहतरीन उदाहरण है। कानपुर में शरद यादव ने कहा कि कांवड़ियों के पास कोई काम धंधा नहीं है और इसी की वजह से वो बड़ी संख्या में सड़कों पर दिखाई देते हैं। कांवड़िये बड़े पैमाने में निकलते हैं, सावन वाला, यानी हालात जो है वो सड़कों जो है वो इस सावन के त्योहार में जो पानी ढालने वाले हैं, सबसे बड़ा नजारा बेकारी बेरोजगारी को वहाँ देख सकते हैं। बीजेपी ने शरद यादव के बयान को हिंदुओं का अपमान बताया है। हिंदू धर्म गुरु भी शरद के बयान से बेहद नाराज हैं। हिंदू समाज का नौजवान कांवड़ लेकर शंकर जी को जल चढ़ाने जाता है, टिप्पणी करने का साहस कर रहे हैं, ये कहीं से भी उचित नहीं है, निंदनीय है। मैं इतने कहूँगा कि जाकी रही भावना तैसी, तीन मुहूर्त देखी तीन तैसी। अगर शरद के मन में भगवान के प्रति भावना नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन उनको इस तरह से किसी पे नहीं बोलना चाहिए। हमें लगता है उनको अपनी थोड़ी आध्यात्मिक दृष्टि राजनीति से ऊपर हट करके विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, तो शायद भगवान शिव की कृपा उन पर भी होगी। इस बयान को जब तक पूरी तरह से आप इसका समग्रता के साथ अगर विश्लेषण नहीं करेंगे तो इस बयान के अर्थ अलग अलग तरीके के निकाले जा सकते हैं। उत्तर भारत में सावन के महीने में शिव भक्त जलाभिषेक के लिए निकलते हैं। सालों से ये परंपरा चली आ रही है और इनमें हर तबके के भक्त होते हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी अब सत्ता में वापसी के लिए साधु संतों की शरण में आ गई है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने संतों से सत्ता में वापसी के लिए आशीर्वाद मांगा है। सीएम अखिलेश यादव ने लखनऊ से अयोध्या में भजन स्थल का शिलान्यास किया। अखिलेश ने कहा कि जनता और संतों का आशीर्वाद मिलेगा तो समाजवादियों को दोबारा सत्ता में आने से कोई नहीं रोक पाएगा। कितने बैठे हैं सम्मानित लोग, अगर इनका आशीर्वाद मिल जाएगा मैं समझता हूँ तो समाजवादियों को कोई रोक नहीं सकता। आने वाले समय में हम लोगों को मौका फिर जनता देगी। ये कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है मुख्यमंत्री आवास में। एक समय था कि मुख्यमंत्री आवास में लोग घुस नहीं सकते थे, अब तो भजन भी गाए जा रहे हैं और भगवान को भी याद किया जाता है, चौपाई सुनाई जा रही है। ये अलग बात है, कुछ लोग तकलीफ और परेशानी में होंगे कि मुख्यमंत्री आवास से चौपाई कैसे सुनाई दे रही है। कार्यक्रम में अखाड़ा परिषद के महंत ज्ञानदास ने कहा कि हम हाशिम अंसारी से सुलह करना चाहते थे, लेकिन अयोध्या के नाम पर दुकानदारी करने वालों ने सुलह नहीं होने दी। महंत ज्ञानदास ने कहा कि हम अयोध्या में मंदिर बनाना चाहते हैं, लेकिन ये मंदिर दूध के गारे से बनेगा, खून के गारे से नहीं। हमको ऐसा राम मंदिर चाहिए
जो दूध के दारा से बना हो, ऐसा राम मंदिर नहीं चाहिए जो खून के दारा से बना। आज पूरे देश में उस पर लोग दुकान चला रहे हैं, रोटी चेक रहे हैं। अयोध्या में भजन स्थल का निर्माण 15 करोड़ रुपए की लागत से होगा। भजन स्थल पूरी तरह से एयर कंडीशन्ड है, 5000 लोग एक समय बैठ सकेंगे। अयोध्या आने वाले तीर्थयात्रियों को भजन स्थल में निशुल्क प्रवेश मिलेगा। भजन स्थल से तीर्थयात्री अयोध्या के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। अयोध्या में भजन संध्या स्थल के शिलान्यास के अवसर पर कई गणमान्य साधु संत भी मौजूद रहे। गुजरात में विजय रूपानी ने मुख्यमंत्री पद के लिए आज दावा पेश किया। विजय रूपानी ने नितिन पटेल और दूसरे नेताओं के साथ राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली से मुलाकात की। कल दोपहर 12:40 पर गांधीनगर के महात्मा मंदिर में रूपानी को शपथ दिलाई जाएगी। सोमवार को आनंदीबेन पटेल ने अपनी उम्र का हवाला देकर इस्तीफे की पेशकश की थी। बुधवार को बीजेपी संसदीय दल ने आनंदीबेन पटेल का इस्तीफा मंजूर कर लिया था। इसके बाद शुक्रवार को विजय रूपानी को बीजेपी ने विधायक दल का नेता चुना था। विजय रूपानी ने आज गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। प्रदेश अध्यक्ष की रेस में भूपेंद्र सिंह चुडासमा सबसे आगे हैं। प्रदीप सिंह जडेजा और आई के जडेजा भी दावेदार बताए जा रहे हैं। राहुल गांधी को असम की कोर्ट ने नोटिस भेजा है। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने राहुल गांधी को 29 सितंबर को पेश होने को कहा है। राहुल को ये नोटिस आरएसएस के खिलाफ दिए उनके कमेंट को लेकर फाइल किए गए मानहानि के मामले में भेजा गया है। 14 दिसंबर 2015 को राहुल गांधी ने असम की बारपेटा में आरएसएस के खिलाफ बयान दिया था। राहुल यहां रोड शो करने पहुंचे थे। इस दौरान वे बारपेटा में एक मंदिर में जा रहे थे। राहुल ने रैली के दौरान आरोप लगाया कि आरएसएस ने अपनी महिला सदस्यों का इस्तेमाल कर उन्हें मंदिर जाने से रोकने की कोशिश की। इसके बाद वे वहां से लौट गए। To stand trial in the case under section 500 of the Indian Penal Code and the next date and his date of appearance is 29/9/2016. Rahul Gandhi RSS से publicly माफी मांगेंगे, अपने comments के लिए खेद व्यक्त करेंगे, नहीं तो criminal defamation की सजा भुगतने के लिए तैयार हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है, उसके बारे में अनर्गल आलाप करने वालों का कोर्ट सम्मन करेगा ही। ये कहना कि आरएसएस के लोगों ने उनको अंदर नहीं जाने दिया, ये डेफिमेशन है। मेरे विचार में तो डेफिमेशन हो नहीं सकता। मैं समझता हूँ हमारे लीगल डिपार्टमेंट बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं, इसको स्ट्रेटेजिकली क्या करना है क्या नहीं करना है वो डिसाइड करेंगे। इस रोड शो में राहुल के साथ असम के सीएम तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई भी शामिल थे। गौरव गोगोई ने कुछ वक्त पहले ऐसा ही बयान दिया था। यूपी के झांसी में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है। बैठक में भाग लेने के लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ तमाम पदाधिकारी भी मौजूद हैं। झांसी के भानी देवी गोयल इंटर कॉलेज में चल रही कार्य समिति की इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र समेत पार्टी के कई पदाधिकारी शामिल हैं। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की इस बैठक में अगले साल सूबे में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हो रही है। दो दिन में चलने वाली इस बैठक में पार्टी कृषि और राजनीति से संबंधित दो प्रस्ताव पास करेगी। बुंदेलखंड में हो रही इस बैठक में इस इलाके की बदहाली को लेकर भी चर्चा होगी। बैठक में बीजेपी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अखिलेश सरकार को घेरने की रणनीति पर भी चर्चा करेगी। 2017 के चुनाव की दृष्टि से, उत्तर प्रदेश के विकास की दृष्टि से, कानून व्यवस्था की दृष्टि से, किसानों की समस्या की दृष्टि से, इसमें तमाम महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली, निर्णय होने वाले। बैठक 6 सत्रों में पूरी होगी और इसका समापन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण के साथ होगा। जयपुर में हिंगोनिया गौशाला में गांव की मौत ने अब पूरी तरह से सियासी रंग ले लिया है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतर आई है। कांग्रेस ने आज जयपुर में गौरक्षा पदयात्रा निकाली। कांग्रेस का इल्जाम है कि जिस बीजेपी ने लोगों से गाय के नाम पर वोट मांगे उसी के राज में गायों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पूरे मामले पर हाईकोर्ट पूरी तरह सख्त रहा। कोर्ट ने आईजी दिनेश को फौरन हिंगोनिया जाकर हालात का मुआयना करने के आदेश दिए थे। जयपुर की हिंगोनिया गौशाला में 2 सप्ताह में 500 गायों की मौत हो चुकी है। सऊदी अरब में फंसे भारतीयों का हाल जानने के लिए मक्का गए विदेश राज्य मंत्री वी के सिंह भारत लौट आए हैं। भारत लौटने के बाद जनरल वी के सिंह ने कहा कि कैंपों में रह रहे बेरोजगार भारतीयों के लिए बुनियादी सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। सऊदी अरब सरकार इन लोगों के लिए खाने और मेडिकल सुविधाओं का इंतजाम कर रही है।
जनरल वी के सिंह के मुताबिक सऊदी सरकार ने भारतीय श्रमिकों के मामले में जरूरी कदम उठाने का भरोसा दिलाया है। सऊदी अरब के किंग है, उनका बड़ा भारी रोल रहा है, जो उनका दृष्टिकोण भारत की तरफ है उससे इन सब चीजों को लाने के अंदर सहूलियत हुई है। जहां तक लोगों के आने का सवाल है, थोड़ा धीमी गति से आएंगे। कारण उसका यह है कि उनके कुछ पेंडिंग वो है, कुछ ने ऋण ले रखा है, तो जब तक ये चीजें सॉल्व नहीं हो जाती तब तक नहीं होगा। लेकिन मैं प्रशंसा करूंगा सऊदी सरकार की, उन्होंने वो सब चीजें की हैं जो शायद आज तक कभी उन्होंने नहीं की। मंदी के कारण सऊदी अरब में 10,000 से ज्यादा भारतीय नागरिकों की नौकरी चली गई थी। इन भारतीय नागरिकों को कंपनी ने उनके हाल पर छोड़ दिया था। मामला सुर्खियों में आया तो विदेश राज्य मंत्री वी के सिंह सऊदी अरब गए थे। साफ सुथरी राजनीति के बीच एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और नेशनल इलेक्शन वॉच के एक सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है। एडीआर के सर्वे के मुताबिक देश के 29 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 609 मंत्रियों में से 210 पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्रिमंडल के 78 मंत्रियों में से 24 पर केस दर्ज हैं। सर्वे के मुताबिक राज्यों के 34% मंत्रियों के दामन पर दाग है तो केंद्र सरकार के 31% मंत्री दागी हैं। मोदी कैबिनेट के 78 मंत्रियों में से 24 मंत्रियों पर केस दर्ज है। इनमें से 14 मंत्रियों यानी 18% मंत्रियों पर गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। 29 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 609 मंत्रियों में से 210 मंत्री यानी 34% मंत्रियों पर केस दर्ज है। इनमें से 113 मंत्रियों पर गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। सर्वे में दागे मंत्रियों की लिस्ट में पहला नंबर झारखंड का है। झारखंड में बीजेपी की सरकार में शामिल 11 में से 9 मंत्री यानी 82% मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज है। सर्वे में दूसरे नंबर पर दिल्ली सरकार है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के 7 में से 4 मंत्री यानी 57% मंत्रियों के खिलाफ केस दर्ज है। तेलंगाना के 17 में से 9, महाराष्ट्र के 39 में 18 और बिहार में नीतीश कुमार की गठबंधन सरकार के 28 में से 11 मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज है। उत्तराखंड में 8 मंत्रियों में से 2 मंत्रियों की छवि आपराधिक है। इससे पहले भी राजनीति के अपराधीकरण पर सवाल खड़े होते रहे हैं। दिल्ली की एक अदालत ने चेक बाउंस मामले में विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। कोर्ट ने सरकार से कहा कि वो विजय माल्या की भारत वापसी के लिए दबाव बनाए। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने माल्या को 4 नवंबर को अदालत में पेश होने का फरमान भी सुनाया। अदालत ने विदेश मंत्रालय से कहा है कि वो लंदन में रह रहे माल्या को वारंट भेजे। अदालत ने कहा है कि बार बार फरमान सुनाए जाने के बावजूद माल्या कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे हैं। उनकी पेशी के लिए कड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है। नॉन अवेलेबल वारंट्स तो बहुत ही हल्की चीज है, मेरे ख्याल से उससे उनको फर्क भी नहीं पड़ता है। ये शायद बहुत पहले बहुत और केसेस में इशू कर दिया गया है। व्हाट इज इंटरेस्टिंग टू सी इज अब हमारी सरकार करती क्या है। क्या हमारी सरकार विजय माल्या के सामने घुटने टेक के बस उन्हें अपनी जिंदगी अपने ऐश से जीने देगी, या फाइनली कुछ दिखाएगी कि वो सीरियस है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए क्या करे। वही माल्या के वकील ने कोर्ट को बताया कि उनके मुवक्किल देश लौटने की हालत में नहीं, उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है। 7.5 करोड़ के चेक बाउंस में माल्या के खिलाफ 4 केस दर्ज है। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने माल्या को भगोड़ा घोषित कर रखा है। लुधियाना की सड़कों पर आज फिल्म द लेजेंड ऑफ माइकल मिश्रा के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे। फिल्म के खिलाफ वाल्मीकि समाज के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। वाल्मीकि समाज का आरोप है कि फिल्म में उनके गुरु के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ है। नाराज लोगों ने सड़क पर हंगामा किया और नारेबाजी की। ये लोग फिल्म को बैन करने और फिल्म के अभिनेताओं और डायरेक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। हंगामे के कारण ट्रैफिक जाम हो गया और लोगों को भारी परेशानी हुई। हमारी ये मांग है कि अब पूर्ण तौर ये फिल्म डब्बा बंद होने चाहिए और जो माइकल मिश्रा में हीरो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई FIR दर्ज करके उनको जेल में बंद किया जाए और इसके बीच में जो सेंसर बोर्ड है उसके ऊपर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। अफसोस की बात है कि बार बार ये लोग हमारे दलित महापुरुषों के खिलाफ कोई ना कोई बोलता रहता है। हंगामा कर रहे प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। यूपी के मैनपुरी की पुलिस सवालों के घेरे में आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि कल जिन 2 युवकों का शव मिला था उनकी मौत पुलिस की पिटाई की वजह से हुई थी।
दो युवकों की मौत के मामले में पुलिस की दलील थी कि उनकी मौत तालाब में डूबने से हुई है, लेकिन आज जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उनमें पुलिस के दावों पर सवाल उठाए गए हैं। इस मामले में एसपी ने चौकी इंचार्ज समेत 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। ऐसा नहीं कि कोई न कोई घटना दुर्घटना हो जाती है, घटना दुर्घटना को लाइन ऑर्डर से नहीं करना चाहिए। मैं नहीं कहता कि पुलिस में 100% सही लोग, पुलिस में भी हमारे ही समाज से लोग जाते हैं, गलती किए होंगे तो विश्वास करिए इस सरकार में उनको सजा जरूर मिलेगी। पूरे प्रदेश में कहीं पीट करके मार डाला जा रहा है पुलिस के द्वारा, तो कहीं अपराधियों के मनोबल बड़े होने के कारण पुलिस को ही मारा जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश के हालात बहुत खराब है। श्री अखिलेश यादव जी को फिर मैं दोहराता हूँ, अपना पद त्याग करके और उत्तर प्रदेश के अंदर जो अराजकता का माहौल है इससे मुक्ति दिलाने का मार्ग प्रशस्त करें। मैनपुरी के घिरोर थाना इलाके के तालाब में दो युवकों का कल शव मिला था और लोगों का आरोप था कि इन दोनों युवकों की मौत पुलिस की पिटाई की वजह से हुई है। असम के कोकराझार में हुए उग्रवादी हमले की जांच के लिए एनआईए के 4 सदस्यों की टीम ने कोकराझार का दौरा किया। एनआईए टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया। उधर तिनियाली मार्केट में हुए हमले के बाद अब सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। साथ ही असम सरकार ने पीड़ितों को हर तरह की मदद देने की बात कही है। असम सरकार ने मारे गए लोगों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। शुक्रवार को उग्रवादियों ने AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग की और ग्रेनेड फेंका। इस हमले में 14 लोगों की मौत हुई थी जबकि करीब 20 लोग जख्मी हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दो हमलावर मारे गए। पुलिस के मुताबिक हमले का शक नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड पर है। दिल्ली के रनौला के विकास नगर इलाके में एक ही घर में दो शव मिलने से सनसनी फैल गई। मरने वाले दोनों देवर भाभी हैं। देवर का शव फर्स्ट फ्लोर पर मिला है जबकि महिला का शव छत पर मिला है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। डबल मर्डर हुआ है, अभी जांच की जा रही है कि क्या वजह है। और प्रेमा कुछ लग रहा है कि किसी साइडर का हाथ है। स्थानीय लोगों के मुताबिक महिला के पति की पहले ही मौत हो चुकी थी, वो अपने देवर के साथ रह रही थी। यूपी की कानून व्यवस्था एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई है। हापुड़ में घर के बाहर सो रही 4 साल की बच्ची के साथ हैवानों ने रेप किया। बदमाशों ने पहले बच्ची को अगवा किया और फिर उसका रेप कर जंगल में फेंक दिया। परिवार वालों का आरोप है कि 1.5 घंटे तक 100 नंबर पर पुलिस ने फोन नहीं उठाया। लोगों ने पिलखुआ कोतवाली पुलिस पर मामले को दबाने का आरोप लगाया है। लगभग 5 साल की बच्ची थी, रात में उसके साथ किसी ने दुराचार कर दिया था और उसको लेकर के हाईवे पर लोग आ गए थे, जाम लगा रहे थे, जाम जो है खुलवा दिया गया। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाकर लोगों ने प्रदर्शन किया और जल्द कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि जल्द ही इस मामले के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जम्मू में वैष्णो देवी यात्रा के दौरान चट्टान खिसकने से हुए हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जम्मू में वैष्णो देवी मंदिर से करीब 6 किलोमीटर दूर हादसा उस वक्त हुआ जब श्रद्धालु ऊपर चढ़ाई कर रहे थे, तभी अर्धकुमारी के पास चट्टान खिसकने से श्रद्धालु मलबे की चपेट में आ गए। हादसे में मरने वाले लोगों के परिजनों को सरकार ने 3-3 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। साथ ही यात्रा के लिए बनाए गए नए रास्ते को भी अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। पिछले कुछ दिनों से जम्मू में तेज बारिश हो रही है जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हुआ। घायलों को कटरा के नारायणा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में हुए हादसे के बाद अब तक 24 लोगों का शव बरामद किया जा चुका है, लेकिन अब रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 और शव मिले, दोनों शव अलग अलग जगहों से बरामद हुए। इस बीच बचाव के काम में नई तकनीक लगाई गई। 3 नावों पर 3 कैमरे लगे हैं जो 700 फीट गहरे और 400 फीट चौड़ाई की तस्वीरें दिखाएंगे। मुख्यमंत्री महोदय जी और मिनिस्टर पाटिल चंद्रकांत जी इनसे बैठक हुई है। मुख्यमंत्री महोदय जी ने कहा जो जो हम टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज कर सकते हैं पूरी तरह हम यूज करेंगे। हम लोग पूरा कोशिश करें जो हमारी गाड़ी है वो हमको मिलना चाहिए, यही हमारा कोशिश है, बाकी कुछ नहीं। रायगढ़ के पास मुंबई गोवा हाईवे पर अंग्रेजों के जमाने का बना पुल मंगलवार को टूट गया था जिसके बाद बसों और गाड़ियों में सवार 40 लोग नदी में बह गए थे। पहाड़ों पर एक बार फिर आफत की बारिश का संकट मंडराने लगा है। हिमाचल और उत्तराखंड में लगातार
भारी बारिश हो रही है। हिमाचल के 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी के बीच शिमला समेत कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। कई दूसरे इलाकों में भी बारिश हो रही है। बारिश के कारण नदियां उफान पर है। मौसम विभाग ने ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर और शिमला जिला में भारी बारिश की चेतावनी पहले ही दे दी थी। लोगों का आरोप है कि इस चेतावनी के मद्देनजर शासन प्रशासन से कोई पुख्ता बंदोबस्त नहीं किया गया है। ये जो बारिश का सिलसिला है अभी तक जो आने वाले 4-5 दिन जो जारी रह सकता है, अगले 2-3 दिन और हैवी रेनफॉल होने की भी संभावना है। हैवी रेनफॉल जो हिमाचल प्रदेश के जो मिड हिल्स और हाई हिल्स इलाके हैं इसमें वो जारी रहेगी और जो आने वाले दिनों में तापमान में भी गिरावट रहेगी। वहीं उत्तराखंड के भी 6 जिलों में मौसम विभाग ने आज भारी बारिश की चेतावनी दी है। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में आज भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन को सतर्क कर दिया गया है। साथ ही लोगों को भी चेतावनी दे दी गई है कि वो सावधानी बरतें।